भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिलावर स्कूल का मामला, महिला कर्मचारी उर्मिला ने दूसरे दिन स्वीकारा बच्ची से हुआ था दुष्कर्म। नेहरू नगर से कालिया सोत नदी के बीच हुआ था बच्ची के साथ दुष्कर्म। घटना के समय बस में बच्ची के अलावा दो और बच्चे मौजूद थे। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें, जहां भोपाल में कल 30 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए सनी, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी, 3.5 साल की बच्ची के साथ बिल्लाबंग स्कूल के बस में दुष्कर्म मामले में बस ड्राइवर हनुमान जाडा और बस में मौजूद महिला अटेंडर उर्मिला को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पूछताछ में महिला कर्मचारी ने स्वीकार किया है। खुद ड्राइवर ने नेहरू नगर से कलियासोत नहर के बीच थर्ड और लास्ट स्टॉप के बाद बच्ची के साथ गलत काम किया था। तब बच्ची के अलावा दो और बच्चे उसमें मौजूद थे। उसका कहना है कि बच्ची खेलते हुए ड्राइवर के पास पहुंची थी, तभी उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। यह घटनाक्रम 1 मिनट से में हुआ। हालांकि लेडी अटेंडेंट का यह भी कहना है कि पानी की बोतल से कपड़े गीले होने से बच्चे के कपड़े बदले हुए थे। और इधर पुलिस ने मैकेनिक के यहाँ से बस भी जब्त किए। कुल मिलाकर माना जाए कि स्कूल का कहना है कि घटना के अगले दिन तक बस में तकनीकी खराबी होने के कारण उसे मैकेनिक को दिया गया था। पुलिस स्कूल में बस सीसीटीवी के फुटेज मांग रही है, लेकिन जब स्कूल का कहना है कि वो 2 से 4 दिन बाद रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। पुलिस अब आईटी एक्सपर्ट की मदद से डाटा रिव्यू करेगी। साथ ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो लेडी अटेंडर है उसने खुद माना है कि जो नेहरू नगर से लेकर कलियासोत के नदी के बीच में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। जी जी सनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि ये कल का पूरा मामला है, जहां 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। अब उसको लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि दुष्कर्म के समय दो और बच्चे बस में मौजूद थे।